आजकल की बदलती लाइफस्टाइल और आधुनिकीकरण के कारण हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है कि कोई भी बीमारी क्यों ना हो, डॉक्टर उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले ऑपरेशन की ही सलाह देते हैं। तो वहीं हाल ही में हुए एक अध्ययन के अनुसार इस बात का खुलासा हुआ कि सारे देशों में भारत एक ऐसा देश है जो ऑपरेशन के जरिए बच्चों को दुनिया में ला रहा है। यानी आज के इस आधुनिकीकरण के समय ज्यादातर बच्चे सिजेरियन से जन्म ले रहे हैं। आपको बता दें कि 2005 और 6 के आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2005 और 6 के बीच सिजेरियन का आंकड़ा लगभग 9% था, लेकिन उसके बाद ये आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते गए। यानी 2015 तक ये आंकड़े 18.5% हो गए हैं, यानी इसमें दोगुना वृद्धि हुई है, जो बेहद ही हैरान करने वाली बात है। तो वही शोध के अनुसार इस बात का भी खुलासा हुआ कि भारत जैसे कम आय वाले देशों में महिलाओं और बच्चों के लिए जीवन रक्षक सर्जरी अवेलेबल ज्यादा नहीं है। शायद यही कारण है कि भारत में सिजेरियन ऑपरेशन ज्यादा हो रहे हैं, जो बेहद ही गंभीर बात है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए भी बता दें कि सर्जरी में माँ और शिशु दोनों को काफी हद तक खतरा बना रहता है। इसके अलावा दूसरे बच्चे के जन्म की प्रक्रिया में महिला को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। तो वहीं आपको आगे बताते चलिए कि ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है कि जन्म के 10-15% ऐसे केस सामने आते हैं कि सिजेरियन करने की जरूरत पड़ ही जाती है। साथ ही सी सेक्शन के औसत मामले इन्हीं स्तरों के बीच होने चाहिए। तो वहीं आगे शोधकर्ताओं का कहना है कि गर्भावस्था और प्रसव एक सामान्य प्रक्रिया होता है और अधिकतर मामलों में सुरक्षित भी होता है और बच्चे के साथ महिला को कोई खतरा नहीं होता, लेकिन बिना चिकित्सीय जरूरत के सी सेक्शन का अधिक इस्तेमाल चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि इससे महिलाओं और बच्चों को खतरा बना रहता है। शायद यही कारण है कि भारत जैसे कम आय वाले देश में सिजेरियन ऑपरेशन के जरिए ही बच्चे को जन्म होता है। ग्रैंड हेल्थ टेक से रानी की रिपोर्ट।